Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah. हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्राफ्ट क्लास मैं हूं आरती गुप्ता और चलिए आज आपको हम नर्सरी ले चलते हैं क्योंकि मॉनसून का सीज़न है और हम नए नए प्लांट्स को लाने वाले हैं घर पर ये हमारे अरेका पाम्स का पूरा एरिया है और मेरे पास दो अरेका पाम थे जो बिल्कुल गर्मी में मैंने गलती से बाहर रख दिए और पूरे मेरे खराब हो गए इसलिए मैं नए अरेका पाम्प्स ले रही हूँ ये आपको वन और टू की रेंज में मिल जाते हैं यहाँ पर मैंने दो परचेज़ किए हैं आप देख सकते हैं चाइना पाम भी है यहाँ पर और अलग अलग वैरायटी के आपको पाम्स मिल जाते हैं ये हमारी लोकल नर्सरी है मैं फ़रीदाबाद में रहती हूँ और ये मैंने सेक्टर एलेवन से परचेज़ किए हैं सारे प्लांट्स और बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हम यहाँ पर परचेज़ करेंगे ये बेस्ट सीज़न है मॉनसून का जब आप अपने घर में प्लांट्स ला सकते हैं क्योंकि इस टाइम पर वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं ये देखिए ये मैंने वन फिफ़्टी वन फिफ्टी में दो लिए हैं ये कितने प्यारे प्यारे से कलर्स आ रहे हैं हमारे इस वाले प्लांट पर और ये दोपहर को खिलने वाले प्लांट है जो बहुत सुंदर लगते हैं इनको नाइन ओ भी बोला जाता है और इसमें काफ़ी आपको डिफ़रेंट कलर्स की वैरायटी मिल जाती है ये बॉन्जो इन्होंने रेडी किए हुए हैं और बहुत सुंदर पॉट्स में लगाए हैं जो पॉट्स का पूरा वीडियो होगा जब हमने इनके साथ पॉट्स भी लिए हैं बहुत प्यारे प्यारे उनका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊँगी ये भी बहुत सुंदर प्लांट था बट काफ़ी बड़ा था और मैंने नहीं लिया क्योंकि हमें केयर भी करनी होती है प्लांट्स की तो जिनकी केयर के बारे में मुझे पता है मैं सिर्फ वही प्लांट्स को परचेज़ करूँगी ये देखिए फाइकस है और कुछ प्लांट्स मेरे पास इनमें से थे और कुछ प्लांट्स मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर ये चंपा है चंपा मेरे पास ऑलरेडी दो हैं तो मैंने वो परचेज नहीं किए गुड़ैल जो है वो काफ़ी सुंदर सुंदर कलर्स में हर कलर में अवेलेबल था तो मैंने हर तरह के गुड़ैल लिए हैं यहाँ पर जितने भी कलर्स यहाँ पर अवेलेबल थे वाइट रेड येलो पिंक तो सभी कलर्स हमने लिए हैं यहाँ पर आपको सारे इंडोर प्लांट्स मिल जाएंगे मनी प्लांट रबो प्लांट और पाम तो हम लोग हमेशा घर में रखते हैं पाम जैसा कि मैंने बताया आपको 150, 200, 350 तक की रेंज में मिल जाता है क्रोटॉन है यहाँ पर वो भी मैंने परचेज किया है और रबर प्लांट को मैंने यहाँ पर लिया है जो दो कलर्स ग्रीन और ब्लैक में है ये वाला पाम ऑलरेडी मेरे पास था और ये फ़ोन है फ़ोन भी मैंने लिया है इनडोर के लिए अंदर लगाने के लिए अपने और इसी तरह से आप साथ में देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे जेड प्लांट लिए हैं रबो प्लांट लिया है और ये जो प्लांट्स हैं ये भी सब हमारे हैं तो इस तरह से हमने नाइनटीन वैरायटी ली हैं प्लांट्स की अलग अलग और इन्हें अब हम अपने घर पे लगाएंगे और आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इन्हें किस तरह से अपने घर में लगाया है और डेकोरेट किया है रबर प्लांट मुझे टू हंड्रेड रुपीज़ में मिला है क्योंकि उसमें दो वाइटीज़ इकट्ठी उन्होंने प्रोन की हुई थी क्रोटन भी हमें टू हंड्रेड में मिला है मनी प्लांट आपको छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो थर्टी थर्टी में मिल जाते हैं अगर आप पॉट के साथ लेते हैं तो आपको फिफ्टी रुपीज़ में देते हैं ये लोग ये क्रिसमस ट्री है ये आपको टू हंड्रेड में मिलेगा और इसी तरह से कोई ज़्यादा इन्होंने प्राइस नहीं बताए हमें जेड भी आपको फोर्टी रुपीज़ में मिल जाता है यहाँ पर स्पाइडर प्लांट्स थे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर ये देखिए पूरे इंडोर प्लांट्स हैं और ये आप देख सकते हैं क्रिसमस ट्री आपको 200 जैसा कि मैंने बताया बैग्स के अंदर जो होते हैं वो आपको 200 300 की रेंज में मिल जाते हैं यहाँ मैंने मॉन्सरेरा लास्ट में परचेज़ किया था वो उन्होंने मुझे टू में दिया है ये इंडोर प्लांट्स हैं और इसी तरह से हमने इन्हें अब परचेज़ कर लिया है और अब हम इन्हें घर लेकर जाएंगे ये सब मोस्टली बैग्स में है तो इनके लिए हमें पॉट्स ख़रीदने हैं इनके पास भी पॉट्स थे बट प्लास्टिक पॉट्स थे तो वो हमें नहीं चाहिए थे क्योंकि उनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं इसीलिए अब हम दूसरी शॉप पे जाएंगे जहाँ से हम बहुत ही प्यारे प्यारे से पॉट्स लेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद प्राइजिज़ बताऊँगी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसी तरह की वीडियोज़ और भी आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोज़ गार्डनिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग